हेलो सर, मैंने आपके चैनल्स की सभी वीडियोस देखी है और मुझे सभी वीडियोस बहुत अच्छी लगी है। और जो जो आपने वीडियोस में उपाय बताए हुए हैं वो मैंने ट्राई भी किए हैं और वो उपाय ना मेरे लाइफ में सक्सेसफुल भी हुए हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों की हेल्प करते हो बाय हार्ट, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करोगे आपके चैनल पर वो दूर से वशीकरण टॉपिक पर हो। मतलब अगर इंसान हमसे दूर है, मतलब यानी दूसरे सिटी में हो, हमसे दूर हो, तो उसको आसानी से वशीकरण कर सके, ऐसी कोई वीडियो आप अपलोड करो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। तो आज मुझे ये क्वेरी मिली मेरे एक सब्सक्राइबर की, जो कि मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और उनको सराहते भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इनका प्रश्न है कि कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि मीलों दूर से किसी का आकर्षण किसी को मोहित किया जा सके। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रश्न पूछा है। और ये जो है, मोस्टली मेरे पास ऐसे क्वेरीज आते हैं जिसमें कि जो साथी है वो विदेश रहता है या फिर मीलों दूर रहता हो। ऐसी क्वेरीज में हमें चाहिए कि ये उपाय करें, और इसके बाद चाहे वो धरती के किसी भी कोने में रहता हो तो भी उसके दिल में आपके लिए तड़प पैदा हो जाएगी। ये आजमाया हुआ तंत्र है, और ये सिर्फ मैं इनकी रिक्वेस्ट पर डाल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सारे वीडियोस देखती हैं। तो इनको एक हमारी प्राचीन संस्कृति का एक अजूबा मैं देने वाला हूँ, जो कि जो भी इनकी कामना है, जो भी इनकी मंशा है, उसको पूरा कर देगा। तो ये यंत्र मैं दे रहा हूँ उन सब के लिए जो मीलों दूर से किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे किसी और के दिल में अपने लिए भावनाएं पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए ये यंत्र आपको बनाना होगा घर पर ही। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। आपको अनार की कलम लेनी है और उस कलम से अष्टदल कमल बनाना है। अनार की कलम से अष्टदल कमल बनाना है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने इस तस्वीर में दिखा रखा है, बिल्कुल इसी तरह से दोनों का नाम बीच में आएगा और जो बीच में है ये मंत्र आपको लिख देना है। और अब जब साइड में 8 बार आप जब ये लिखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप उल्टा लिख रहे हैं या सीधा, लेकिन उन अष्टदल कमलों में वो होना चाहिए। अब आप जब अष्टदल भर लें, उसके बाद अपना नाम और अपने साथी का नाम लिखकर नीचे भी वही मंत्र लिख दें। अब इसके बाद क्या करना है कि ये अपनी प्रेमी की फोटो के साथ आपको ये बीच में रखना है, अपनी फोटो और अपनी प्रेमी की फोटो, उन दोनों की फोटो लेकर उसके बीच में ये आपको रख देना है। और सफेद सूत आता है, सफेद सूत धागा होता है सफेद रंग का, कहीं से मिल जाएगा आपको, पंसारी दुकान से, तो उससे आपको बांध कर ये रख देना है कहीं ऐसी जगह पे जहां पर कि धूप ना जाती हो। अपने बेड के नीचे रख दीजिए, अपने अलमीरा में रख दीजिए, और इसको तब तक खोल के मत देखिएगा जब तक कि वो तड़फ ना उठे आपके लिए। और अगर आप इसको लटकाते हैं कहीं पर किसी पेड़ पर, तो इसके परिणाम जो है वो आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे ये हिलेगा वैसे वैसे आपके प्रेमी में वो व्याकुलता पैदा होगी जो कि आपकी तरफ उसको खींच कर लाएगी, चाहे कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो। एक बार ये यंत्र बनाकर अगर आपने किसी नीम के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर या फिर अनार के पेड़ पर ये टांग दिया, तो यूं समझिए कि बंदा गोली से बच सकता है लेकिन इस यंत्र से नहीं बच सकता। ये स्पेशल मैं इनकी फरमाइश पर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो यंत्र हैं ये मैं खुद बनाता हूँ, किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन इनकी फरमाइश पर मुझे ये देना पड़ा क्योंकि ये मेरे सारे वीडियोस देखती हैं और काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इनको ये दे रहा हूँ। आप भी इसका लाभ उठाएं और मुझे बताइए कि ये कितना सटीक है। मुझे कॉल कर सकते हैं आप 999-2841625 पर, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो उसको मेल कीजिएगा मुझे info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।